तो दोस्तों 24 घंटे से भी कम समय बचा है इंडिया वर्सेस नीदरलैंड का मैच शुरू होने में। जैसा कि आपको पता है कि लीग स्टेज का लास्ट मैच इंडियन टीम खेलेगी नीदरलैंड टीम के साथ। ये मैच खेला जाएगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में दोपहर के 2 बजे। इस मैच के रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो नीदरलैंड हो चाहे वो इंडियन टीम हो। इंडियन टीम पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है, बस एक फॉर्मेलिटी थी जिसको कि निभाई जाएगी कल के डेट में। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से परफॉर्मेंस करती है नीदरलैंड टीम, क्योंकि नीदरलैंड टीम का जो परफॉर्मेंस रहा है वो अव्वल दर्जे का रहा है इस वर्ल्ड कप में। काफी बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने शिकस्त दी है, एक तरफा शिकस्त दी है, तो अभी देखना होगा कि कैसा परफॉर्मेंस करते हैं इंडिया खिलाफ। तो फिलहाल अगर इस मैच के टिकट्स की बात करूं तो इस मैच के टिकट्स अभी कुछ दिन पहले खोली गई थी बुक माई शो पे। जब लाइनें खोली गई थी उससे लगभग 1.5 से 2 घंटा पहले मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि टिकटें आने वाली हैं, जाकर टिकट बुक कर लीजिए। कई लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक कर ली थी, तो जिन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक की थी उनके पास में टिकटों की होम डिलीवरी नहीं होगी, उनको टिकट जाके बॉक्स ऑफिस कलेक्ट करना है। अगर आपने टिकट कलेक्ट कर ली है तो अच्छी बात है, नहीं कलेक्ट की है तो आज लास्ट डेट है, कल आपको टिकट नहीं मिलेगी फिजिकल वाली। तो अगर आपने नहीं लिया है तो जाके आज ले लीजिए, वरना कल आप मैच नहीं देख पाएंगे स्टेडियम बैठ के। बाकी जो लोग टिकट नहीं खरीद पाए हैं उनका ये सवाल आ रहा है कि इस मैच की टिकट अब आएगी कि नहीं आएगी, तो बताना चाहूंगा कि अब आने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है मैच शुरू होने में। अगर आ भी जाएगी तो आपको बुक करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। फिलहाल जो अभी अपडेट निकल के आ रही है, तो ऐसी अपडेट निकल के आ रही है कि 5-10 मिनट के लिए शायद इसकी लाइनें खोली जा सकती है। कंफर्मेशन के नाम पे कुछ नहीं है इस समय, बस ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। जो हमारी सीनियर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि शायद 5-10 मिनट के लिए खोली जा सकती है लाइनें एक आध बार। उम्मीद उन्होंने कहा है कि मात्र 10% उम्मीद रखिएगा कि खोली जाएंगी, 90% है कि खोली नहीं जाएंगी। तो बाकी अगर फिर भी आपको टिकट बुक करनी होगी तो जब भी टिकट लाइनें ओपन होंगी तो मैं आपको उसी पर सूचना देने की कोशिश करूंगा।